गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे ना। आप लोग की दुआ से मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। सो आज संडे है और दोपहर के अभी एक बज रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं देवा शरीफ के लिए। सेकंड टाइम में ये मेरा फर्स्ट टाइम हम लोग अचानक गए थे और उर्स में गए थे, तो इस टाइम हम लोग जा रहे हैं और तकरीबन मुझे लग रहा है दो हफ्ते के बीच में ही दूसरी बार जा रहा हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं और आपको देवा शरीफ में जाके मिलते हैं। दरगाह शरीफ के पहले आपको इस तरीके से यहाँ पे गेस्ट हाउस दिख जाएंगे, लॉज दिख जाएंगे, नीचे आपको पूरे खाने पीने के होटल्स दिख जाएंगे। आपको मज़ार से पहले जो रोड है पूरा, वहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें और बच्चों के जो खिलौने वगैरह है वो सब मिठाइयाँ मिल जाएंगी। बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको दरगाह के पहले देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग माशाल्लाह पहुंच गए हैं दरगाह शरीफ के अंदर और अभी चलते हैं हम लोग आपको अंदर और अंदर से दिखाते हैं माशाल्लाह पूरी दरगाह जो है आपको हम लोग अंदर से दिखाएंगे और पूरा जो वाक्य है इनका वो बताएंगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं और चलते सबसे पहले वजू करते हैं, फिर अंदर जाके फातिहा वगैरह पढ़ेंगे और फिर जो है बाकी की जगह घूमेंगे। पीछे की साइड जो है वजू खाना है और मस्जिद है। ये पूरा मुसाफिर खाना है। इस साइड जो है वो लोग आते हैं तो रहते हैं। उसके टाइम आपने देखा था ये पूरा भरा हुआ था, यहाँ पे थोड़ी भी जगह नहीं थी कि लोग चल सकें। ये मस्जिद है माशाल्लाह, देख सकते हो आप। यहाँ है जी पीछे वजू खाना। इस साइड जो है वो लंगर वगैरह बनाया जाता है उर्स के टाइम, बट फिलहाल तो पता नहीं। इस साइड भी जो है ये पूरा रहने के लिए है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं इस साइड। और ये पीछे के साइड से आप देख सकते हो दरगाह शरीफ का। वारिस पाक का जो बचपना है वो लखनऊ में गुजरा है और इनके जो वालिद गरामी का नाम है सैयद क़ुरबान अली शाह अली रहमता, और उसके बाद वारिस पाक का जो है कि बचपना लखनऊ में गुजरा है और इसलिए लखनऊ में गुजरा है कि वहाँ पे उनके उस्ताद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह
का मज़ार है, वहीं पे उनका बचपना गुजरा है। वो उनके उस्ताद भी हैं और उनके पीर भी हैं। दोस्तों अभी मेरे भाई ने पूछा कि सरकार वारिस पाक का जो कलर जो पहनते हैं, जो रंग पहनते हैं जी, वो क्यों पहनते हैं। मैं आपको बता दूँ, इसलिए पहनते हैं लोग कि सरकार वारिस पाक हमेशा पीले कलर का एहराम पहनते थे, इसलिए उनके जो मुरीदीन हैं वो भी हमेशा पीले कलर का एहराम पहनते हैं और हमेशा एक लकड़ी का चप्पल जैसा होता है उसको खाव बोलते हैं, वो उनके चाहने वाले पहनते हैं और पीले कलर का कपड़ा ज़्यादातर उनके चाहने वाले उनके पहनते हैं। मतलब पीले कलर का कपड़ा हो या वो टोपी हो, वो ज़्यादातर वो पीले कलर का पसंद भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं उस कलर से और उसको पहनते हैं। वो पहनते भी ज़्यादातर जो है उनके मुरीदे चाहने वाले सब वही पहनते हैं, ठीक है। और जो नीचे पैर में था उनके चप्पल वो खड़ाऊ कहते हैं, वो लकड़ी का होता है, लकड़ी का होता है, उसको ज्यादातर उस कलर से मोहब्बत करते हैं और हर चीज से मोहब्बत करते हैं, उनके चाहने वाले उनके मुरीदी उनके हर अदा से मोहब्बत करते हैं, बस इसीलिए उसको अपना लिए हैं लोग। और अभी हम लोग हैं जो दादा मियां के मज़ार पे, जो उनके वालिद हैं कुर्बान अली शाह, जो उनके वालिद हैं, ठीक है। और अभी हम लोग पीछे कहाँ पे जाएंगे, बेदम शाह वारसी की दरगाह पे, ठीक है। चलिए वहाँ भी चलते हैं और वहाँ के भी थोड़े बहुत जो है वो बातें जान लेते हैं हम लोग। हजरत बेदम शाह वारसी, ये सरकार वारिस पाक के अजीज, बहुत ही करीब चाहने वाले हैं, बहुत अजीम हैं, ये बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाम इन्होंने लिखे। एक इसमें से एक कलाम बहुत ही मशहूर कलाम है, मैं बता देता हूँ, बेखुद किए देते हैं अंदाज जवाना, ये बहुत मशहूर कलाम है जो हमारे सरकार बेदम शाह वारसी अली रहमत रिजवान का लिखा हुआ कलाम है। और मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे उस कलाम को पढ़ ही के जाऊंगा, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, उसके बाद चलिए पहले जाते हैं अंदर, फिर बाहर चलेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।